हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सेव टेक स्मार्ट में। हाँ, मुझे पता है एसुस के 13 जनरेशन लैपटॉप्स का रिव्यू करने की डिमांड आ रही है और मैं जल्दी से जल्दी लाने की ट्राई भी कर रहा हूँ, पर कुछ अवेलेबिलिटी इश्यूज हो जाते हैं। पर आज आपके लिए लेके आया हूँ एसुस का रिसेंटली लॉन्च एसुस वियोबुक M1605YA और ये वाला वेरिएंट लेटेस्ट राइजन 7 राइजन 5 7530U प्रोसेसर के साथ है। तो आज इस वीडियो में करेंगे इसी की एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग एंड ओवरऑल रिव्यू और देखते हैं एसुस के साथ 7530U प्रोसेसर की परफॉर्मेंस और ये क्या वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो इस वीडियो में बने रहिए, आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। तो बिना देरी किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बॉक्स को ओपन करने से पहले इस लैपटॉप की अगर मैं मैन्युफैक्चर डेट की बात करूं तो अभी रिसेंटली में ये वाला मॉडल लॉन्च हुआ है और जो बॉक्स में एमआरपी दी हुई है वो है अराउंड 95,000 है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ये कितने रुपए का मिल जाएगा। तो फटाफट बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। तो फ्रेंड्स, ये है एसुस वियोबुक M16 का फर्स्ट इंप्रेशन है और ये लैपटॉप आता है टफ ब्लैक कलर के साथ। यहाँ एसुस वियोबुक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और इस लैपटॉप की अगर मैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो डिजाइन मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी और फ्रेंड्स बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी काफी ऑसम दी हुई है और जैसा कि आप देख सकते हो टॉप पे आपको मेटल, बाकी पाम रेस्ट और बॉटम में हार्ड प्लास्टिक यूज की गई है। ओवरऑल इस लैपटॉप की अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी दी हुई है और जैसे मैं टॉप पे प्रेस कर रहा हूं तो मेरे को फ्लैक्स ना के बराबर ही देखने को मिल रहा है और फ्रेंड्स इस लैपटॉप का वेट निकल के आता है 1.8 kg। इसी के साथ इस लैपटॉप के पोर्ट्स भी देख लेते हैं। तो राइट साइड में पावर इनपुट का पोर्ट है, HDMI 1.4 पोर्ट, 2 USB 3.2 Type A पोर्ट, 1 USB 3.2 Type C पोर्ट दिया हुआ है जिसे आप फास्ट डाटा ट्रांसफर में यूज कर सकते हो और लास्ट में 3.5 mm ऑडियो जैक और वहीं लेफ्ट साइड में 1 USB 2.0 Type A पोर्ट और LED इंडिकेटर्स दी हुई हैं और लैपटॉप के बॉटम में 3 कॉर्नर रबर ग्रिप दी हुई है जो आपके लैपटॉप में हल्का सा स्पेस बनाए रखती है और यहाँ देख सकते हो काफी सारा एयर वेंट देखने को मिल जाता है। ये लैपटॉप सिंगल फैन सेटअप के साथ आता है और 2 एयर एग्जॉस्ट देखने को मिल जाते हैं और बॉटम में 2.8K स्टीरियो स्पीकर दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, एक प्रीमियम सीरीज का लैपटॉप है और इस लैपटॉप की टॉप लिड को सिंगल हैंड से ओपन कर रहा हूं और जैसा कि आप देख पा रहे हो ओपन नहीं हो रही है और हिंज की क्वालिटी मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी। जहां टॉप लिड को मैं रोक रहा हूं वहीं प्रॉपर टॉप लिड रुक रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि लैपटॉप की हिंज की क्वालिटी काफी अच्छी दी हुई है और फ्रेंड्स इस लैपटॉप की टॉप लिड को आप 180 डिग्री तक भी रोटेट कर सकते हो और ऐसा कमाल एसुस और लेनोवो ही प्रोवाइड करवाते हैं। बाकी 360 कन्वर्टेबल लैपटॉप में तो देखने को मिलती है और सामने की तरह भी एसुस वियोबुक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और इस लैपटॉप की अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं तो फुल साइज का चिकलेट बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है और फ्रेंड्स की ट्रेवल का जो स्पेस दिया हुआ है वो है 1.4 mm और जैसे मैं कीबोर्ड पे प्रेस कर रहा हूं तो मेरे को फ्लैक्स ना के बराबर ही देखने को मिल रहा है। ओवरऑल कीबोर्ड की क्वालिटी पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगी और आप देख सकते हो कीबोर्ड में ही पावर बटन दिया हुआ है। वहीं इस लैपटॉप की अगर मैं ट्रैक पैड की बात करूं तो काफी लार्ज साइज का ट्रैक पैड दिया हुआ है जो मल्टीटास्क जेस्चर और प्रेसिजन टच को सपोर्ट करता है और इस लैपटॉप के पाम रेस्ट पे सोनिक मास्टर की ब्रांडिंग, प्रोसेसर, ग्राफिक्स और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और इस लैपटॉप के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं क्या क्या दिए हैं। तो सीपीयू की बात करो तो एमडी राइजन 5 7530U प्रोसेसर दिया हुआ है जिसकी बेस क्लॉक इस पे 2.0 और मैक्स बूस्ट टेक्नोलॉजी से 4.5 GHz तक यूज कर सकते हो। 6 Core 12 Thread और 16 MB की कैश मेमोरी दी हुई है और फ्रेंड्स ये वाला जो प्रोसेसर है ये आर्किटेक्चर जेन 3 पे बेस्ड है और अभी आपको पता होगा कि 7520U प्रोसेसर आर्किटेक्चर 2 पे बेस्ट था। तो देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिलती है और फ्रेंड्स इसमें स्टोरेज लगी हुई है 16 GB की DDR4 3200 MHz की रैम दी हुई है जिसमें से 8 GB की ऑनबोर्ड और 8 GB की अलग से रैम लगी हुई है। आप मैक्सिमम इस लैपटॉप में रैम को अपग्रेड कर सकते हो 24 GB। स्टोरेज 512 GB की PCIe NVMe Gen 3 SSD दी हुई है Samsung कंपनी की। रीड एंड राइट स्पीड आपके सामने आ रही है, क्या ही ऑसम स्पीड देखने को मिल रही है और फ्रेंड्स अगर आपको स्टोरेज को अपग्रेड करना है तो 512 GB को रिमूव करके 2 TB तक एक्सटेंड कर सकते हो। लेटेस्ट वाईफाई 6E और ब्लूटूथ 5.3 देखने को मिल जाता है और लास्ट में कर लेते हैं इसके GPU की बात तो AMD Radeon ग्राफिक्स दिया हुआ है जिसमें 512 MB की डेडिकेटेड और 8 GB की शेयर्ड मेमोरी के साथ आता है। तो फ्रेंड्स देखेंगे ग्राफिकल परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिलती है और अब बात करते हैं इस लैपटॉप की डिस्प्ले को लेकर। तो 16 इंच की WXGA एंटी ग्लेयर डिस्प्ले दी हुई है जिसकी ब्राइटनेस 300 nits है और कलर गैमट 45%
परसेंट NTSA देखने को मिल जाता है। और फ्रेंड्स 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो दिया हुआ है और ये पैनल आता है 60Hz की रिफ्रेश रेट के साथ है। और फ्रेंड्स अगर आप साइड से भी वीडियो वॉचिंग करोगे तो आपको नेगेटिव भी नहीं दिखेगा। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी काफी ऑसम देखने को मिल जाती है। जैसा कि आप देख सकते हो 3-side नैरो बेजल्स दिए हुए हैं और आगे की तरफ ही Asus VivoBook की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और मैंने इस लैपटॉप में उसी सेम फुटेज के साथ वीडियो रेंडर किया है तो ओनली इस लैपटॉप ने टाइम लगाया है 1:07 है। और यही उम्मीद थी मुझे इस लैपटॉप के प्रोसेसर से। और जब मैंने लैपटॉप को बूट किया तो फ्रेंड्स ओनली 6 सेकंड का टाइम। आज तक नंबर 1 रहा है HP ब्रांड, लेकिन Asus ने यहां बीट कर दिया है बूटिंग टाइम में। और फ्रेंड्स मैंने इस लैपटॉप में वीडियो एनकोड किया है हैंड ब्रेक में 4K to 1080p। 1 मिनट का वीडियो फुटेज था और ओनली 56 सेकंड में ही वीडियो एनकोड कर दिया था इस लैपटॉप ने। और फ्रेंड्स AMD Ryzen 7000 सीरीज का प्रोसेसर है 7530U। और इस CPU की एक्चुअल परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए मैंने इसमें कुछ मल्टीपल बेंचमार्क स्कोर को टेस्ट किया है। तो सबसे पहले Cinebench R23 ने सिंगल कोर स्कोर दिया है 1424 और मल्टी कोर स्कोर है 8712। और Geekbench 6 ने सिंगल कोर स्कोर दिया है 1921 और मल्टी कोर स्कोर है 6607। और OpenCL GPU के स्कोर देख सकते हो 14558 देखने को मिल रहे हैं। और जब मैंने इसमें PC Mark 10 को रन कराया तो फ्रेंड्स अराउंड 6000 के अप्रॉक्स स्कोर देखने को मिल रहे हैं। और फ्रेंड्स आपको भी पता होगा कि PC Mark 10 में अगर 5000 से अबव स्कोर्स देखने को मिलते हैं तो उस लैपटॉप में आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो। और लास्ट में 3D Mark Time Spy ने स्कोर दिया है 1297 है। तो फ्रेंड्स बेंचमार्क स्कोर काफी शानदार देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब टेस्ट करते हैं इस लैपटॉप की ग्राफिकल परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले मैं इसमें प्ले करने जा रहा हूँ GTA 5 HD रेजोल्यूशन के साथ है। तो देखते हैं कैसी फ्रेम रेट देखने को मिलती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो 120 FPS की फ्रेम रेट देखने को मिल रही है। और फ्रेंड्स मैंने इसमें नेक्स्ट गेम प्ले किया है टॉम क्लेंसी HD लो सेटिंग पे। तो देखते हैं इसमें कैसी फ्रेम रेट देखने को मिलती है। What's your fucking problem? You just hit a civilian. We've got cartel soldiers nearby. I'm opening fire. Run. Tango down. Fuck. Engage him. तो जैसा कि आप देख पा रहे हो 40 से 50 FPS की फ्रेम रेट देखने को मिल रही है। और फ्रेंड्स लास्ट में मैंने एक और रेसिंग गेम प्ले किया है फुल HD रेजोल्यूशन के साथ है। तो इसमें आप देख सकते हो 60 FPS की फ्रेम रेट देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल इस लैपटॉप में आप नॉर्मल गेमिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और इस लैपटॉप की अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूं तो 3 cell 42 watt hour की बैटरी दी हुई है, तो आपको अराउंड 4 से 5 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा। मैंने स्क्रीन ब्राइटनेस को 50% पे रखा था और बैकलाइट को ऑफ रखा था। तो ये है इस लैपटॉप के वेबकैम की क्वालिटी, HD वेबकैम दिया हुआ है। मैं उम्मीद कर रहा था कि फुल HD वेबकैम आएगा, लेकिन वेबकैम की क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है। और अभी आप ऑडियो सुन रहे हो इसी के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। और फ्रेंड्स सिक्योरिटी के लिए आपको वेबकैम में ही प्राइवेसी सेटअप दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इस लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो विंडोज 11 प्रीइंस्टॉल लाइफटाइम के लिए मिल जाती है, साथ ही आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 लाइफटाइम एक्टिवेशन मिल जाता है। ओवरऑल फ्रेंड्स मुझे इस लैपटॉप की डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले क्वालिटी काफी ऑसम देखने को मिली है। और फ्रेंड्स स्कोर्स भी काफी अच्छे आए हैं बेंचमार्क के। तो फ्रेंड्स यहां मैं अपना पर्सनल सजेशन आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, आप AMD में Ryzen 7530
U प्रोसेसर के लिए ही जा सकते हो। अभी AMD ने एक और 7000 सीरीज में प्रोसेसर लॉन्च किया था 7520U, वो आर्किटेक्चर Gen 2 पे बेस्ड है, इसी वजह से उस प्रोसेसर की परफॉर्मेंस इतनी बेस्ट देखने को नहीं मिली। अगर आपको लैपटॉप बाय करना है लेटेस्ट 7000 सीरीज में तो आप AMD में Ryzen 5 7530U के लिए जा सकते हो, क्योंकि परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल रही है। और इस लैपटॉप में आप डे टू डे टास्क रन कर सकते हो, फोटोशॉप एडिटिंग कोडिंग आप आसानी से कर पाओगे, 1080p की एडिटिंग भी आप बटर स्मूथ कर सकते हो। फ्रेंड्स अगर आप इसमें 4K की एडिटिंग करोगे तो आप 1 लेयर या 2 लेयर तक तो कर सकते हो, लेकिन फिर फ्रेंड्स लैपटॉप लैग करने लग जाएगा। तो ओवरऑल आप इसमें 1080p की एडिटिंग बटर स्मूथ कर पाओगे। तो फ्रेंड्स यही तो था इस लैपटॉप का ओवरऑल रिव्यू, और अब बात करते हैं इस लैपटॉप की प्राइस को लेकर। ये अभी ऑनलाइन पे लिस्टेड हुआ है 60,000 का, और फ्रेंड्स मुझे कहने में कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर आपको ये लैपटॉप 57 या 58,000 में मिलता है तो बिना किसी डाउट आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। अब यार कुछ टाइम पहले मैंने HP के लेटेस्ट i5 13 जनरेशन लैपटॉप का रिव्यू किया था, जिसका मॉडल था FD0011TU। तो फ्रेंड्स उस लैपटॉप की परफॉर्मेंस तो काफी अच्छी थी, लेकिन फ्रेंड्स उसमें डिस्प्ले ने मुझे बहुत निराश किया था। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों का बजट 60,000 के अराउंड है तो आप इस लैपटॉप के लिए बिना किसी डाउट जा सकते हो, बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यही था फ्रेंड्स इस लैपटॉप का ओवरऑल रिव्यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताना, और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्या कर रहे हो यार फ्रेंड्स, 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने ही वाले हैं, तो यार जल्दी से करो क्योंकि यार उस पे भी हम कुछ अनाउंस कर सकते हैं आपके लिए। मैं मिलता हूं आपको किसी और धमाकेदार लैपटॉप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।